क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, उस टेक्निक का नाम है क्लाउड सीडिंग। लेकिन ये समझने के लिए कि ये कैसे किया जाता है, हमें न्यूक्लिएशन नामक एक प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। न्यूक्लिएशन एक इनिशियल प्रोसेस है जो किसी वेपर, लिक्विड या सॉल्यूशन से क्रिस्टल के निर्माण में होती है। इससे कम संख्या में आयन्स, एटम्स या मॉलिक्यूल सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक वाले पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ये एक ऐसी साइट बनाता है जिस पर क्रिस्टल के बढ़ने पर एडिशनल पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। अब क्लाउड्स और कुछ नहीं बल्कि आकाश में तैरती पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स के ग्रुप्स हैं। न्यूक्लिएशन के माध्यम से ये छोटी बूंदें आपस में चिपकना शुरू कर देती है और न्यूक्लियाई बनाती है जिस पर अधिक पानी की बूंदें जमा होती है। अंत में जब क्लस्टर्स इतने भारी हो जाते हैं कि लटके नहीं रह पाते, तो वे बारिश के बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिर जाते हैं। हालांकि मीलों तक फैले बादलों के लिए पानी की बूंदें बिना चिपके एक दूसरे से बहुत दूर होती है। यहीं पर हम क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ स्पेशल सॉलिड पार्टिकल्स जिन्हें सीडिंग एजेंट कहा जाता है, उन्हें हवाई जहाज से स्प्रे करके एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये पार्टिकल्स न्यूक्लियाई जैसे एक्ट करते हैं जो पानी की बूंदों के क्लस्टरिंग को फैसिलिटेट करते हैं। सिल्वर आयोडाइड पॉपुलरली यूज्ड सीडिंग एजेंट्स में से एक है, बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बर्फ के क्रिस्टल से समान है। इस प्रकार बर्फ के क्रिस्टल्स की तरह ये क्रिस्टल्स न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उन पर वाटर वेपर का कॉन्डेंसेशन होता है। क्रिस्टल्स तेजी से आकार में बढ़ते हैं और आखिर में बारिश की बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिरने के लिए काफ़ी भारी हो जाते हैं। अब दो अन्य प्रकार के क्लाउड सीडिंग भी है, इनके बारे में जानने के लिए पहला कमेंट ज़रूर पढ़ें।